हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने वीवो वाई 16 एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो है स्क्रीन पिनिंग सेटिंग को आप इनेबल कैसे कर सकते हैं, और ये स्क्रीन पिनिंग सेटिंग जो है इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है, आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर जो है वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको अपने मोबाइल फ़ोन में सेटिंग पेज आपको ओपन करना है, ठीक है। सेटिंग पेज ओपन कर लीजिए। सेटिंग पेज में आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा ये सिक्योरिटी का, सिक्योरिटी पे आपको सिलेक्ट करना है। अब आपको सिक्योरिटी के इस पेज में सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऐप पिनिंग का, ऐप पिनिंग पे सिलेक्ट करना है। अब आपने यहाँ पर जो है ना ऐप पिनिंग के इस पेज में ये ऑफ का ऑप्शन है सबसे ऊपर, इसके सामने वाले बटन को आपको सिलेक्ट करके ऑन करना है। तो ये ब्लू कलर में बटन ऑन हो जाएगा और एक पेज ओपन होगा ना, तो इसे आपको ओके कर देना है इस पेज में। तो यहाँ पर आपका जो है ना ये ऐप पिनिंग इस तरीके से सेटिंग इनेबल हो जाएगी, ठीक है। तो अब ये सेटिंग जो है ना इनेबल होने के बाद ये सेटिंग कैसे काम करती है ये मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जब भी आपको ना किसी भी एप्लीकेशन को है ना ओवरव्यू करना है, इस तरीके से ओवरव्यू करना है, और यहाँ पर ये जो आपका सेटिंग का आइकन या सेटिंग का नेम दिखाई देता है ना, इसके ऊपर आपको टैप करना है। तो एक छोटा सा पेज ओपन होगा, इस पेज में आपको जो है ना ये पिन का ऑप्शन नजर आएगा, इसे पिन पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो आपका ये ऐप पिनिंग का ये पेज आ जाएगा, ठीक है। ऐप पिनिंग के इस पेज में आपको नीचे गॉट इट कर लेना है, गॉट इट कर लेंगे तो ऐप पिन हो जाएगा, ठीक है। अब ये सेटिंग जो आपकी पिन हो चुकी है, यानी कि ऐप आपका पिन हो चुका है। अभी सेटिंग कैसे काम करेगी, जिस ऐप को आपने पिन किया है ना उस एप्लीकेशन से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे, लेकिन उस ऐप के अंदर आप जो है पेज के आगे और पेज के पीछे आप जा सकते हैं। कैसे, ये देखिए, मैं इस पेज के किसी भी ऑप्शन के अंदर जाना चाहूँ तो इसके अंदर चला जाऊँगा, ठीक है। लेकिन और यहाँ से जो है मैं बैक पेज पर भी आ जाऊँगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं बैक पेज पर भी आ रहा हूँ और आगे पेज पे भी जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं इस ऐप से बाहर निकलना चाहूँ तो देखिए कोई भी बटन यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इसके लिए करना है क्या, आपको ऐप से बाहर निकलने के लिए आपको अपने आपके फ़ोन का जो बैक बटन, ओवरव्यू बटन, ये पहला बटन और तीसरा बटन आपको दोनों को एक साथ दबाना है, तो आपका फ़ोन स्क्रीन लॉक पर चला जाएगा। आपको अपने मोबाइल फ़ोन का स्क्रीन लॉक एंटर करना है तो आपका फ़ोन जो है ना उसी ऐप के अंदर वापस आ जाएगा। अब आप जो है बैक बटन या कोई सा बटन दबाएंगे ना, आप अपने ऐप से बाहर निकल जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। अगर आपने स्क्रीन लॉक नहीं लगा रखा है ना अपने फ़ोन पे, तो आपका डायरेक्ट पेज जो है ना एप्लीकेशन अनपिन हो जाएगा, और आप उसी वक्त अगर बैक बटन दबाएंगे तो आपका फ़ोन जो है बैक पे यानी कि एप्लीकेशन से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये सेटिंग ऐसे काम करती है, ऐप पिनिंग सेटिंग इनेबल करने के बाद। ऐप पिनिंग को हम जो है स्क्रीन पिनिंग भी बोलते हैं। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में जो स्क्रीन पिनिंग जो नेम लिया था, ये स्क्रीन पिनिंग के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है।